हेलो दोस्तों, स्टडी मेनू में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक और वीडियो लेके आ चुका हूँ आप लोगों के लिए, जिस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव के बारे में, जिस ड्राइव में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जाकर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो आपको भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, TCS द्वारा मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव TCS निंजा हायरिंग लॉन्च किया गया है, जिसमें 2022 के बैच के पास आउट स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं और इस रिक्रूटमेंट ड्राइव पे सभी ब्रांच के स्टूडेंट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। तो आइए चलिए दोस्तों, इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। और इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है 15 अगस्त, और इसके लिए आप लोग को ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा 30 अगस्त को, और इसके बाद आप लोग का इंटरव्यू होने वाला है। तो अगर आप लोग यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके जाते हो तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि बी बी टेक एम ई एम टेक एम सी एम एस सी जो लोग 2022 के बैच के कैंडिडेट्स हैं वो लोग इसमें एलिजिबल है। और इस एप्लीकेशन प्रोसेस में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को TCS नेक्स्ट स्टेप के पोर्टल में जाना है, जिसके लिए सबसे पहले यहाँ पे जो हियर देख रहे हैं आप, इसमें आप लोग को क्लिक करना पड़ेगा। अच्छा, तो क्लिक करने के बाद आप लोग TCS नेक्स्ट स्टेप के पोर्टल पे आ चुके हो, और इसके बाद यहाँ पे क्या करना है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और इसके बाद आपको रजिस्टर में जाके क्लिक करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग रजिस्टर यूज़र हो तो आप लोग लॉगिन पे क्लिक करके सारे डिटेल्स फिलअप कर सकते हो, या फिर अगर आप लोग फर्स्ट टाइम यूज़र हो तो आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आईटी के ऑप्शन को आपको चूज़ करना पड़ेगा, और चूज़ करने के बाद आपको मोड ऑफ टेस्ट सिलेक्ट करना है, जैसे इन सेंटर या फिर रिमोट आप चूज़ कर सकते हो। और इसके बाद आपको अप्लाई बटन पर जाके क्लिक करना पड़ेगा, और अप्लाई करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस को ट्रैक भी कर सकते हो, ट्रैक योर एप्लीकेशन के ऑप्शन पे जाके। और इस रिक्रूटमेंट ड्राइव पे आप लोगों से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, और आप लोग जो टेस्ट मोड सिलेक्ट करेंगे इन सेंटर या फिर रिमोट, तो उसको आप लोग चेंज नहीं कर पाओगे। अच्छा, यहाँ पे टेस्ट एलिजिबिलिटी में अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो परसेंटेज में आप लोग को जैसे मिनिमम एग्रीगेट 60% मार्क आपको होना पड़ेगा, प्लस 10th 12th या फिर डिप्लोमा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम पे, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको। और बैकलॉग पे आप लोग का एक से ज़्यादा बैकलॉग नहीं हो सकता है जब आप लोग TCS के इस एग्जाम पे अपेयर कर रहे होंगे। और अगर आप लोग का एडुकेशन में कोई ब्रेक था तो वो ब्रेक किस लिए था वो भी आप लोगों को मेंशन करना पड़ेगा। और कोर्स टाइप में जो लोग फुल टाइम कोर्सेज कंप्लीट किए वही लोग एलिजिबल है इस TCS रिक्रूटमेंट ड्राइव पे। और वर्क एक्सपीरियंस में स्टूडेंट जिन लोगों का 2 साल तक की एक्सपीरियंस है वो लोग भी इस निंजा हायरिंग प्रोसेस में एलिजिबल है। और एज लिमिट दिया गया है 18 से 28 ईयर्स तक। कोर्सेज एंड डिसिप्लिन में आप लोग का यू जी पी जी इंजीनियरिंग कोर्सेज जैसे बी बी टेक एम ई एम टेक एम सी एम एस सी जिसमें सभी स्पेशलाइजेशन के कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल है। टेस्ट पैटर्न में आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जैसे न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 मिनट का रहने वाला है, वर्बल एबिलिटी भी 30 मिनट्स का होने वाला है, रीजनिंग एबिलिटी 50 मिनट्स का होने वाला है जो पार्ट ए में होगा। और पार्ट बी में आप यहाँ पे प्रोग्रामिंग पे आप चेक कर सकते हो, प्रोग्रामिंग लॉजिक 15 मिनट्स, हैंड्स ऑन कोडिंग 45 मिनट्स का होने वाला है। और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, अगर आप लोग का फिर भी कुछ डाउट रहता है तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। अच्छा, तो अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आप लोग को यहाँ पे रजिस्टर नाउ के बटन पे जाके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो आईटी पोर्शन है इसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इंस्टीट्यूट नेम, क्वालिफिकेशन, ईयर ऑफ पासिंग, नियरेस्ट टेस्ट लोकेशन, एक पासवर्ड आप लोग को क्रिएट करना है, उसी पासवर्ड को री एंटर करना है। इसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ पे कोई भी एक चूज कर सकते हो, और जो कैप्चा आप यहाँ पे चेक कर रहे हो वो कैप्चा को आपको यहाँ पे एंटर करके सबमिट बटन पे सबमिट करना है। तो आप लोग भी सारे डिटेल्स को फिलअप कर लीजिए। फिलअप करने के बाद अप्लाई फॉर ड्राइव पे जाके क्लिक कीजिए, और 30 अगस्त को जो एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम पे अपेयर जरूर कीजिए। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी TCS के इस मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव पे पार्टिसिपेट कर पाए। और दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताएं, और अगर आप लोगों ने अभी भी हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।